आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। हमारा भारत जिसकी प्राकृतिक और भौतिक संपन्नता किसी से छिपी नहीं है, सदियों से इसे हथियाने की कोशिशें होती ही रही हैं, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने किसी को कामयाब होने नहीं दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहाने वालों में राजपूत कभी पीछे नहीं रहे। आज हम इतिहास में ऐसे ही अमर एक शूर वीर की गौरव गाथा सुनते हैं। बारहवीं सदी। भारत में मुगलों के आने से बहुत पहले चौहान वंश के राजा थे राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान, जो अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे और जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान बहादुर योद्धा, कला के पारखी, न्यायप्रिय और प्रजा के शुभ चिंतक थे। उनके राजकाल में दिल्ली की खुशहाली अपनी चरम सीमा पर थी, जो एक विदेशी की नजर में खटक रही थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो दिल्ली को हथियाने के लिए हमले की तैयारी कर रहा था। मेरे जाबाज सिपाहियों, हमें दिल्ली की सारी दौलत लूटकर गजनी लाना है, फिर हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाएगा। शाबाश सिपाहियों, दिल्ली अब हमारी हो गई। जलकार हो, हम दिल्ली जीत कर रहेंगे। हमारी हो गई। जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर शहाबुद्दीन गौरी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के शेर को पछाड़ना उसके बस की बात नहीं है। गौरी की जबरदस्त हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया। मगर उदार पृथ्वीराज चौहान ने शरणार्थी शहाबुद्दीन को मारा नहीं और ये वचन लेकर छोड़ दिया कि वो फिर कभी दिल्ली की तरफ नहीं देखेगा। उसी समय कन्नौज में राजा जयचंद का राज था। सत्ता के लोभी जयचंद ने दरबार में मन की बात रखी। हम सम्राट बनना चाहते हैं। महाराज, इसके लिए आपको पहले राजसूय यज्ञ करना होगा। ये ठीक रहेगा। जो भी हमारी सत्ता का विरोध करेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। सभी राजाओं को सूचित किया जाए, उन्हें हमारी सत्ता स्वीकार करनी ही होगी। जो आज्ञा महाराज। सभी राजाओं को सूचना भेजी गई। सभी ने जयचंद की सत्ता के आगे घुटने टेक दिए, सिवाय एक के, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज नरेश का संदेश सुनकर पृथ्वीराज बहुत नाराज हुए। पृथ्वीराज के मित्र राजकवि चंद बरदाई ने स्थिति संभाली और संदेशवाहक को खाली हाथ लौटा दिया। जयचंद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उस घमंडी की इतनी हिम्मत, वो अपने आप को क्या समझता है। सेनापति, तुरंत सेना तैयार की जाए। हम स्वयं अभी दिल्ली पे हमला करेंगे। लेकिन महाराज, राजसूय यज्ञ का समय सिर पर है। अभी हमारे पास दिल्ली पर हमला करने का समय नहीं है। ठीक है, यज्ञ के बाद हमारी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी करना है। पूरे देश के राजा आएंगे, तभी राजकुमारी संयोगिता अपना वर चुनेंगी। हाँ, उस अहंकारी पृथ्वीराज को स्वयंवर में ना बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। उस दुस्साहसी को उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। स्वयंवर पंडाल में द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का पुतला खड़ा किया जाए। जो हुकुम महाराज। मगर पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता और वीरता का गुणगान जयचंद की बेटी संयोगिता का दिल पहले ही जीत चुका था। उधर महल में स्वयंवर की खुशियां मनाई जा रही थीं। हमारी राजकुमारी कितनी भाग्यवान है ना।
हाँ, देश देश के शूरवीर राजा स्वयंवर में पधारेंगे, मगर भाग्यवान तो वो राजा होगा जिसके गले में हमारी सुंदर राजकुमारी संयोगिता जयमाला डालेंगे। हाँ। क्यों राजकुमारी जी, ठीक कहा ना मैंने? हटो भी, तुम लोग हमें छेड़ो मत। अरे रे रे, राजकुमारी तो शर्मा गई, सुंदर सुंदर गाल गुलाबी हो गए, हाय लज्जा से नैन झुक गए। देखो देखो, अब बहुत हो गया, आज तुम लोग मुझसे पिटोगी। तो अब हमें बताइए ना राजकुमारी, के शूरवीर के गले में जयमाल डालेंगी आप? हाय, कौन होगा वो भाग्यवान, बताइए ना राजकुमारी। पृथ्वीराज चौहान। ये क्या कह रही है राजकुमारी, आपके पिता महाराज जयचंद तो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए ना कि उन्होंने हमारे पिताजी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। मगर तुम सब भी जानती हो, उनके जैसा शूरवीर दूसरा कोई नहीं है। पर उन्हें तो स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया है। वो अवश्य आएंगे, हमारा मन कहता है वो आएंगे। गुप्तचरों ने जयचंद की योजना और राजकुमारी संयोगिता के निर्णय के बारे में पृथ्वीराज चौहान को बताया। कन्नौज की राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा पृथ्वीराज पहले ही सुन चुके थे और राजकुमारी को चाहने लगे थे। उन्होंने अपने बचपन के साथी कवि चंद बरदाई को बुलाया। चंद, हमारा सम्मान दांव पे लगा है और हम राजकुमारी संयोगिता से विवाह करना चाहते हैं। मगर आप ये कैसे कर सकते हैं महाराज, जयचंद आपको कन्नौज में पैर नहीं रखने देगा। हमें नहीं देगा, मगर वो आप जैसे कवि कलाकार को नहीं रोकेगा। मगर महाराज, हमने सोच लिया है, हमारे 100 बहादुर सैनिक और हम आपके सेवक के वेश में आपके साथ जाएंगे। कन्नौज चलने की तैयारी शुरू कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कन्नौज में स्वयंवर की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सभी राज्यों के शूरवीर राजा पहुंच चुके थे। जब सेवक बनकर पृथ्वीराज चौहान और चुने हुए सैनिकों के साथ कविराज चंद बरदाई कन्नौज पहुंचे, तो उन्हें खबर मिली कि पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनके पुतले को स्वयंवर पंडाल का द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया है। ये सुनकर पृथ्वीराज ने तलवार खींच ली। जयचंद का इतना साहस? महाराज, महाराज हमें धीरज से काम लेना होगा, हम कुछ सोचते हैं, आप धीरज रखिए। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक योजना बनाई और स्वयंवर की घड़ी का इंतजार करने लगे। क्या थी वो योजना, स्वयंवर के पंडाल में उस दिन क्या हुआ, मैं आपका दोस्त रदा मुराद आपको बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। अभी तक आपने सुना 12वीं सदी में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ रखा। सभी राजाओं ने अधीनता मान ली सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। बस जयचंद पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ गया, उसने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और उसका पुतला बनवाकर स्वयंवर पंडाल के द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया था। ये जानकर पृथ्वीराज चौहान भेष बदल कर कन्नौज पहुँचे और एक योजना बनाई। अब आगे स्वयंवर पंडाल में सभी राजा पहुंच चुके थे। राजकुमारी संयोगिता ने अपनी सखी सहेलियों के साथ स्वयंवर पंडाल में प्रवेश किया। महाराजा जयचंद ने राजाओं का स्वागत किया। हमारी बेटी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पराक्रमी राजाओं में जिस शूरवीर के गले में राजकुमारी जयमाल डालेंगी वो भाग्यवान हमारा जामाता होगा। आओ बेटी। राजकुमारी संयोगिता जिस राजा के पास से निकलती उस राजा के सेवक राजकुमारी को लुभाने के लिए
राजा की गौरव गाथा सुनाते रहे, पर धीरे धीरे राजकुमारी पंडाल के द्वार तक पहुंच गई, जहां पृथ्वीराज का पुतला था। अचानक राजकुमारी ने उस पुतले के गले में जयमाल डाल दी। तभी उस पुतले के पीछे छिपे पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को तूफान की तेजी से उड़ा ले गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। महाराज जयचंद चिल्लाए, रोको रोको, पकड़ो उसे वीरो, तुम्हारी आंखों के सामने वो हमारी बेटी को ले जा रहा है। सैनिकों, हम अभी दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। क्षमा महाराज, यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं जो उनसे टक्कर लेने की हिम्मत कर सके। कायर है, डरपोक है सबके सब। उधर राजकुमारी संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुँचे। सभी ने नई महारानी संयोगिता का स्वागत किया। खुशियों का दौर कई दिनों तक चलता रहा। और वहाँ कन्नौज में अपमान की आग में जयचंद छटपटाता रहा। फिर एक दिन उसे आशा की एक किरण दिखाई दी, और फिर दरबार में। महाराज, हम सब आपकी बेचैनी समझते हैं, लेकिन अब राजकुमारी संयोगिता दिल्ली की महारानी है। अब भारतवर्ष का सबसे बड़ा शूरवीर पृथ्वीराज चौहान आपका संबंधी है, चाहे आप माने या नहीं। हम नहीं मानते। जब तक हम अपने अपमान का बदला ना ले लें, हमें चैन नहीं आएगा। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। सेनापति, हमने सुना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन है। हाँ महाराज, वो नादान बार बार आक्रमण करता है, हर बार हारता है, मगर हार नहीं मानता। सुना है वो फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस बार वो नहीं हारेगा। हमारी सेना का साथ होगा तो गौरी की विजय निश्चित है। मारा जाएगा घमंडी पृथ्वीराज। ये क्या कह रहे हैं महाराज, हमारी आपसी फूट का, घरेलू झगड़े का वो विदेशी लुटेरा गौरी भरपूर लाभ उठाएगा। और फिर महाराज, क्षमा करें, क्या आप अपनी बेटी संयोगिता का सुहाग उजाड़ेंगे? एक राजपूत का मान सम्मान सारे संबंधों से ऊपर होता है। अगर हमने राजपूत के मस्तक से अपमान का कलंक नहीं धोया, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर भी महाराज, एक बार सोच लीजिए। हमने सोच लिया है, हमारी बेटी संयोगिता का अपहरण करने वाले को जब तक सबक न सिखा दे, हमें चैन नहीं आएगा। हमारी मित्रता का संदेश जल्द से जल्द मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पहुंचाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। जयचंद बदले की आग में अपना विवेक खो चुका था। उसने किसी की बात नहीं सुनी। कन्नौज की मित्रता का संदेश पाकर शातिर मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, उनकी फूट का फायदा हम उठाएंगे। अब आएगा असली मजा, दिल्ली के शेर का शिकार करेंगे। दिल्ली के खजाने पे कब्जा करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमले की तैयारी की जाए। मोहम्मद गौरी की फौज जयचंद की सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़ी। मगर क्या दिल्ली इस हमले के लिए तैयार थी? मैं आपका दोस्त रजा मुराद आपको बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियाँ। अभी तक आपने सुना, 12वीं सदी में दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। दिल्ली पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने कई बार नाकाम आक्रमण किए। उधर कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण करने की वजह से कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज से नाराज था। उसने पृथ्वीराज के कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया, और दोनों की फौजें हमला करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे वहां दिल्ली दरबार में जयचंद के विद्रोह और गौरी के हमले की खबर से खलबली मच गई। तुरंत जवाबी हमला किया गया। तराइन के मैदान में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी आमने सामने थे।
जहां पिछली बार गौरी पूरी तरह हारा था, मगर इस बार गौरी का पलड़ा भारी लग रहा था। पृथ्वीराज को घेर लो, आगे बढ़ो। धोखेबाज गौरी, इस बार तो बच के नहीं जा सकता। पिछली बार जाने दिया, वो तुम्हारी भूल थी। भूल? देखो, जंजीरों से बांधो, पृथ्वीराज को बंदी बना लो। शाबाश शाबाश सिपाहियों, हमने जंग जीत ली। दिल्ली पे हमारा कब्जा है, जो चाहो लूटो, छीन लो। मुबारक हो जयचंद मेरे दोस्त, हमने दिल्ली जीत ही ली। बधाई हो सुल्तान गौरी, हमारा बदला पूरा हुआ, अब हम चैन से सोएंगे। गौरी के सैनिकों ने दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई। जयचंद और मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कैदी पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया गया। अब कहो पृथ्वीराज, ओ माफ करना, दिल्ली के शेर महाराज पृथ्वीराज चौहान, बेड़ियों में कैसा लग रहा है? अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? जैसा हमने आपके साथ किया था। तुम्हारे यहाँ दुश्मन को माफ करने का रिवाज होगा, हम दुश्मन को खत्म करने में यकीन करते हैं। तो क्या झूठा वचन देना, धोखाधड़ी करना भी तुम्हारी आदत है? हाँ हाँ, ये जंग है, जंग, और जंग में सब जायज होता है। एक काम करते हैं, हम तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हैं, बशर्ते तुम हमारे गुलाम बनो। तुम्हारी गुलामी, इससे अच्छा है कि हम मौत को गले लगा लें। ओहो, ये तेवर, घबराओ नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम जरूर पूरी करेंगे, मगर इतनी जल्दी क्या है हा? अभी हम गजनी जाएंगे, हमारी जनता को भी तो हमारा सबसे बड़ा शिकार देखना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें तुम्हारी करने का दंड जरूर मिलेगा गौरी। कौन देगा दंड? तुम दोगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? तुम एक सुल्तान के गुलाम हो, आंखें नीचे। एक राजपूत योद्धा की आंखें केवल अपने भगवान के सामने झुकती हैं, या फिर मरने के बाद मरने के डर से आंखें झुकाने वाले तुम जैसे होते हैं। खामोश उस्ताक, सिपह सलार, गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ डालो। जी हुजूर। अब दुनिया देखेगी कि दहाड़ने वाला शेर भीगी बिल्ली कैसे बनता है, मगर अफसोस, तुम अपनी मौत का तमाशा नहीं देख सकोगे, है ना महाराज जयचंद? वाह मोहम्मद गौरी, बहुत अच्छे। देखिए, हमने अपना वचन निभाया, अब आपकी बारी है। गजनी लौटने से पहले हमें दिल्ली की राजगद्दी सौंप दीजिए। हाँ हाँ जरूर जयचंद, आप साथ न देते तो हम पृथ्वीराज को कभी हरा नहीं पाते। आपको तो इनाम मिलना ही चाहिए। धन्यवाद मोहम्मद गौरी, हमें आपसे यही आशा थी। सिपाहियों, इस गद्दार को बंदी बना लो। अरे ये क्या, ये सब क्या है? शाहबुद्दीन, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं कौन है हम। तुम कन्नौज के राजा थे, वो कल की बात है, आज आज मेरे बंदी हो। जो राजा अपनी ही औलाद की खुशियों में आग लगाए, झूठे घमंड में अपने ही लोगों से दुश्मनी करे, उस गद्दार को राजा बनने का कोई हक नहीं। जो आज अपने मादरे वतन से गद्दारी कर सकता है, उसका क्या भरोसा? ले जाओ इसे, इसका सर काट के दिल्ली के चौराहे में लटका दो। नहीं! दिल्ली में बर्बादी का तांडव करने के बाद मोहम्मद गौरी की फौज भरपूर दौलत और बंदी पृथ्वीराज के साथ गजनी लौट गई। हमारे प्यारे गजनी वासियों, ये जंजीरों में जकड़ा कैदी कोई और नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान है।
जिसने पहले कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई, मगर देखो आज वो यहाँ अकेला मजबूर और अंधा कैदी बनकर खड़ा है। बहुत खूब सुल्तान। उधर दिल्ली में जनता बहुत डरी हुई थी। एक गुप्तचर से जब गजनी का हाल मिला तो दिल्ली दरबार में राजगुरु जी चुप न रह सके। उस कपटी जयचंद को उसकी गलतियों की सजा तो मिल गई, लेकिन वो दुष्ट हौरी हमारे महाराज पृथ्वीराज की जान भी ले सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चंद बरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं गजनी जाऊंगा और अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ही आप सब दुष्ट मोहम्मद गौरी की मृत्यु की खबर सुनेंगे। इस तरह पृथ्वीराज की सहायता का प्रण करके चंद बरदाई गजनी के लिए निकल पड़े। क्या वो अपने मित्र की मदद कर पाए? मैं आपका दोस्त रजा मुराद आपको बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। अब तक आपने सुना, 12वीं सदी में दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर बुरी नजर रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने कई नाकाम हमले किए। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी ने दिल्ली पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। गौरी ने गद्दार जयचंद को मार डाला। पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें गजनी ले गया। ये सुनकर चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए निकल पड़े। अब आगे चंद बरदाई को मोहम्मद गौरी का बर्ताव देखकर हैरानी हुई। आओ आओ राजकवि चंद बरदाई, दोस्त का प्यार खींच लाया है। पृथ्वीराज तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। चलो हम खुद तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे जिगरी दोस्त से कराएंगे। देखो तो पृथ्वीराज, तुम्हें देखने कौन आया है? अरे 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 अफसोस, मैं तो भूल ही गया, तुम अंधे हो। महाराज पृथ्वीराज, मेरे मित्र चंद, ये क्या हो गया? पृथ्वीराज, मैं तुम्हारे इस दोस्त को तभी मौत के घाट उतार देता जब इसने गजनी में कदम रखने की जुर्रत की, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था ये तुम्हें देखे और जाकर दिल्ली में बताए मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली के महान महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी मौत से कैसे बदतर बना दी है। हम चलते हैं। मित्र चंद, मित्र, ये सब क्या हो गया? मैं मरने से नहीं डरता, तुम जानते हो, पर पहले मुझे उस दुष्ट मोहम्मद गौरी की मौत चाहिए। आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे पास एक योजना है महाराज, आप गौरी से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। आपकी शब्द भेदी निशानेबाजी किस दिन काम आएगी? मगर चंद, ये कैसे होगा? मैं देख नहीं सकता, मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सब कुछ तय करके चंद बरदाई मोहम्मद गौरी के दरबार पहुंचे। सुल्तान, जाने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे महाराज पृथ्वीराज चौहान से मिलने का मौका दिया। जाओ और दिल्ली वालों को बताओ कि उनका शेर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की कैद में कैसे पड़ा है। सुल्तान, मगर निशानेबाजी में वो अभी भी आपको मात दे सकते हैं। सुना वजीरे आला, अंधा निशानेबाजी में हमें मोहम्मद गौरी को हराएगा? जी हाँ, चाहे तो परीक्षा ले लीजिए। हाँ हाँ, चलो ये भी देख लेते हैं। पर याद रखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। मैदान में पूरा गजनी जमा हो गया। बंदी पृथ्वीराज चौहान को वहां लाया गया। ऊंचे आसन पे मोहम्मद गौरी बैठा था।
गजनी वासियों, सुना है दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान एक हुनर जानते हैं। वो बिना देखे ही सही निशाना लगाने में उस्ताद है। हाँ सुल्तान, यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी मेरे महाराज की इस कला को देखकर जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ठीक है, तारीफ बंद करो। अपने महाराज से कहो कुछ करके भी दिखाएं। चंद बरदाई की गुजारिश पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का तीर कमान मंगवाया। अब पृथ्वीराज तैयार थे। बंदी, निशाना लगाओ। चंद बरदाई, तुम्हारे महाराज ने कमान क्यों झुका ली? सुल्तान, पृथ्वीराज आज भी दिल्ली के राजा हैं। वो किसी और का आदेश नहीं सुनेंगे। आपको ही उनसे निशाना लगाने के लिए कहना होगा। इतनी अकड़! अगर निशाना नहीं लगा तो शान मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना। ये तो समय ही बताएगा। देखते हैं, तीन तीर तीन निशाने। तैयार हो जाओ पृथ्वीराज, तीर चलाओ, लगाओ निशाना। पृथ्वीराज के दो तीर ठीक निशाने पर लगे। ऐसी सटीक निशानेबाजी देखकर सभी हैरान थे, मोहम्मद गौरी भी। तमाशा अच्छा है चंद बरदाई। अब तीसरा और आखिरी तीर चलाने से पहले तुम भी अपनी कला दिखा दो, कोई तुकबंदी ही सुना दो। अवश्य। पृथ्वीराज की वीरता का सुन लो करूं बखान, जो भारत वर्ष की शान और दिल्ली की जान। अब सुनो पहेली पृथ्वी, सुनो लगाकर कान। चार बांस और 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, उसके ऊपर है सुल्तान, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चलाओ तीर, लगाओ निशाना। कमान से तीसरा तीर सीधे ऊंचे आसन पे बैठे मोहम्मद गौरी को जा लगा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन कैदियों को। हर हर महादेव। पृथ्वीराज चौहान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे मित्र, मैंने बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान की जय। चंद, ये अफगानी हमें छोड़ेंगे नहीं। शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हम मित्र के हाथों मरे। हाँ मित्र, मैं तैयार हूँ। पृथ्वीराज अमर रहे, भारत वर्ष अमर रहे। हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले वीर ने अपनी ही शर्त पर मौत को गले लगा लिया। भारतवर्ष के एक सपूत ने वीरगति पाली, जो एक नेक दिल इंसान, एक सच्चा प्रेमी, अभिन्न मित्र और एक कुशल शासक था, जिनकी प्रेम गाथा और वीर गाथा बड़े गर्व से सुनी और सुनाई जाती है। इस महान हस्ती को हमारा नमन। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम इतिहास की एक और गौरव गाथा का आनंद लेंगे। अब रजा मुराद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए भारत की अमर कहानियां।